हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं संजीव कुमार लेक्चर। इस वीडियो में हम आज कंज्यूमर सरप्लस को पढ़ने वाले हैं कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। कंज्यूमर सरप्लस कंज्यूमर थ्योरी का एक और टॉपिक है जो कि मैंने आपको इससे पहले इनकम इफेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफेक्ट और इनकम कंजम्पशन कर्व के बारे में बताया था। इस वीडियो में मैं आपको जो है यहाँ पर कंज्यूमर सरप्लस के बारे में बताने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होता है। कंज्यूमर सरप्लस जो है उसकी सबसे पहले डेफिनेशन से हम स्टार्ट करें तो कंज्यूमर सरप्लस इज़ द नेट इनकम या इकोनॉमिक बेनिफिट। वो एक तरीके का नेट इकोनॉमिक बेनिफिट है जो कंज्यूमर ड्यू टू परचेज ऑफ अ गुड्स, जो कंज्यूमर को गुड्स को परचेज करने पर होता है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इट इज़ मेजर्ड बाय द डिफरेंस बिटवीन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कंज्यूमर इज़ विलिंग टू पे एंड द एक्चुअल अमाउंट ही पेज फॉर इट। मतलब कि कंज्यूमर हर गुड्स के लिए अलग अलग प्राइजेस जो है वो हर क्वांटिटी के लिए देने के लिए तैयार होता है। तो वो मैक्सिमम अमाउंट जो कंज्यूमर किसी गुड्स की यूनिट को परचेज करने के लिए देने के लिए तैयार है और एक्चुअल में जो वो उस गुड्स को ख़रीदते वक्त पे करता है, उसके बीच का डिफरेंस जो है वो कंज्यूमर सरप्लस कहलाता है। ठीक है दोस्तों, तो हम कह सकते हैं कि अंडर द ऑर्डिनरी डिमांड कर्व एंड अबव द मार्केट प्राइस कर्व या प्राइस कर्व इज एरिया या अबव शेडेड एरिया इज कॉल्ड कंज्यूमर सरप्लस। मतलब हमारे पास अगर कोई एरिया है, जैसे मैं आपको ग्राफिकली समझाता हूँ, पहले मैं आपको ग्राफिकली थोड़ा बताता हूँ। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमारे पास एक ये डिमांड कर्व जा रहा है, ऑर्डिनरी डिमांड कर्व। तो इस ऑर्डिनरी डिमांड कर्व के एरिया के ऊपर आप ये देख सकते हैं मार्केट में 3 रुपीज़ उसका प्राइस चल रहा है। उस 3 रुपीज़ के प्राइस के अबव और डिमांड कर्व के बिलो जो हमारे पास ये आप शेडेड एरिया देख रहे हैं हमारे पास पर्पल कलर का, लाइट पर्पल कलर, तो ये हमारे पास एक कंज्यूमर सरप्लस का जो है वो एरिया होगा। और इसी तरीके से अगर मार्केट प्राइस जो है वो प्राइस 2 हो जाए तो कंज्यूमर सरप्लस आप देखेंगे इस तरीके से जो है वो क्या हो चुका है, बढ़ चुका है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट अब इसको थोड़ा मैं न्यूमेरिकली आपको थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ। तो हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में हम देख सकते हैं कि एक डिमांड फंक्शन लिया है हमने, क्वांटिटी इक्वल्स टू 40 - 4 PX, PX यहाँ पर गुड्स ऑफ प्राइस X है। फिर हमने PX को 3 सपोज किया है कि मार्केट में प्राइस ऑफ गुड्स जो है वो 3 है। और व्हाट इज़ द कंज्यूमर सरप्लस, कि कंज्यूमर सरप्लस क्या होगा, तो इसके लिए हम जो है वो प्राइस देखते हैं और क्वांटिटी यहाँ से अगर हम कैलकुलेट करें तो देखिए दोस्तों, अगर आपको कैलकुलेट करना नहीं आ रहा तो मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से हमने इसे कैलकुलेट किया है। तो प्राइस ऑफ गुड्स X 3 था, तो हमारे पास 40 इस फंक्शन में हमने प्राइस की वैल्यू को क्या कर दिया, पुट कर दिया। तो 40 - 12 आ जाएगा और फिर हमारे पास ये कितना हो जाएगा, 28। इसका मतलब है कि हमारे पास जो क्वांटिटी है वो कितनी आ गई है, 28 आ गई और प्राइस ऑफ गुड्स X है हमारे पास 3। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक। अब अगर हम ये डिमांड कर्व देखें तो डिमांड कर्व जो है उसी क्वांटिटी की जो इक्वेशन मैंने अभी ली हुई थी उससे दिया गया है। तो अगर यहाँ पर प्राइस जो है वो 0 हो जाए गुड्स X का, तो हम इसकी 40 यूनिट्स को खरीद सकते हैं। और जब गुड्स X का प्राइस हमारे पास 10 हुआ तो इस तरीके से हम जो है वो 10 कह रहा हूँ मैं, हमारे पास 3 दिया हो तो इस हिसाब से हम जो क्वांटिटी खरीद सकते हैं उसके लिए हमने एक डिमांड कर्व जो है वो ड्रॉ यहाँ पर कर लिया है। ठीक है, अब इस डिमांड कर्व पर अभी मैंने आपको बताया था जब प्राइस 3 हो तो उस 3 प्राइस पर हमने अभी 28 क्वांटिटी जो है वो कैलकुलेट करी थी। इसका मतलब है मार्केट में वो प्राइस चल रहा है 3 रुपीज़, तो उस वक्त हम उसकी 28 क्वांटिटी खरीद रहे हैं। इसका मतलब है कि इस गुड्स के लिए मैं यहाँ पर 10 रुपये भी देने के लिए क्या हूँ, तैयार हूँ। और उसकी मैं मैक्सिमम, अगर उसका प्राइस 0 है तो उसकी मैं 40 यूनिट्स खरीदने के लिए भी तैयार हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास डिमांड कर्व बना हुआ है। अब अगर डिमांड कर्व में हम कंज्यूमर सरप्लस की बात करें तो डिमांड कर्व के नीचे यहाँ आप देख सकते हैं, डिमांड कर्व के नीचे जैसा कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था, डिमांड कर्व के नीचे और जो मार्केट में प्राइस चल रहा है 3 रुपीज़ गुड्स का, तो वो एरिया जो होगा वो कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा। न्यूमेरिकली आप देख सकते हैं 0.3 हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है कि उसका प्राइस हमने इस तरीके से डिनोट किया हुआ है। और 10 - 3 × 7 = 98 पूरा का पूरा ये जो एरिया है हमारे पास, इसको हमने कैलकुलेट करके निकाल लिया है यहाँ पर कि हमारा ये हो गया टोटल कंज्यूमर सरप्लस का एरिया। अब 28 जो है वो यहाँ पर ये वाली वैल्यू ली हुई है और यहाँ पर हमने ये जो है मतलब एरिया का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास, वो एरिया का फॉर्मूला हमारे पास होगा 1/2, आपको पता होगा, हाइपोटेनस इनटू बेस, ये फार्मूला होता है।
तो आप इस ट्रायंगल का हाइपोटेनस और क्या कहते हैं बेस देख सकते हैं। तो मैंने इसकी वैल्यू 0.5 रख दी है यहाँ पर, और हाइपोटेनस अगर हम निकालें तो हमारे पास ये आ रहा है कितना 28 इंटू बेस अगर हम देखें तो कितना आ रहा है 10 और 3 यानी कि 7। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास एरिया निकल के आ जाएगा कितना 98। तो टोटल कंज्यूमर सरप्लस का एरिया हमारे पास कितना निकल के आया है 98। तो 98 हमारा क्या हो जाएगा कंज्यूमर सरप्लस। अगर प्राइस चेंज हो जाए तो प्राइस चेंज होने पर क्या होगा, फॉर्मूला सेम रहेगा लेकिन अब हमारा जो बेस है वो क्या हो जाएगा चेंज हो जाएगा, बेस यहाँ पर 8 हो जाएगा और हाइपोटेनस भी हमारे पास क्या हो जाएगी चेंज हो जाएगी 32 हो जाएगी, और ये वही 0.5 है। इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास कंज्यूमर सरप्लस अब कितना हो जाएगा 128, यानी कि कंज्यूमर सरप्लस का एरिया अब जो है वो बढ़ चुका है कितना, इतना बढ़ चुका है अगर प्राइस जो है वो क्या हो जाए डाउन हो जाए तो। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें मार्केट डिमांड की, तो मार्केट डिमांड फंक्शन जो है वो हॉरिजॉन्टल समेशन होता है, जितने भी हमारे पास डिमांड कर्व बनाए जाते हैं इंडिविजुअल डिमांड कर्व उन सब का हॉरिजॉन्टल समेशन होता है। इन अदर वर्ड्स अगर मैं कहना चाहूँ तो मार्केट डिमांड इज़ ऑब्टेनिंग बाय द एडिंग क्वांटिटी डिमांडेड बाय द इंडिविजुअल्स एट ईच प्राइजेज एंड प्लॉटिंग दिस टोटल क्वांटिटी फॉर ऑल पॉसिबल प्राइजेज। इन सबको अगर हम ऑल पॉसिबल प्राइजेज से शो करके दिखाएँ तो हम जो है वो यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर आप यहाँ देखें तो कंज्यूमर वन कंज्यूमर टू इसका एक डिमांड कर्व दिया हुआ है और कंज्यूमर टू का डिमांड कर्व दिया हुआ है। अगर अब हमको जो है वो मार्केट डिमांड कर्व ड्रॉ करना है तो एट फोर लेवल ऑफ प्राइजेस पे, फोर प्राइजेस पे मैं इसको यहाँ पर कैलकुलेट कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि हमारे पास जो डिमांड कर्व कंज्यूमर वन है वो इतना है, तो आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल समेशन इसका यहाँ से यहाँ तक आ गया। फिर इसके बाद ये जो हमारे पास कंज्यूमर टू है इसका डिमांड कर्व नीचे की ओर जा रहा है, तो अगर इसका समेशन किया जाए तो वो यहीं से स्टार्ट होगा, मतलब यहाँ से उसकी वैल्यू को लिया जाएगा तो वो डिमांड कर्व थोड़ा इस तरीके से नीचे की ओर डाउनवर्ड जाएगा, तो हमारे पास ये जो है वो मार्केट डिमांड कर्व हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं बात करूँ कि और डिटेल में अगर मैं थोड़ा और क्लियरली आपको समझाना चाहूँ तो इस तरीके से बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कंज्यूमर वन का डिमांड कर्व, कंज्यूमर टू का डिमांड कर्व, और यहाँ पर हम बनाते हैं मार्केट डिमांड कर्व। तो हम यहाँ एक प्राइस लेवल फिक्स ले रहे हैं, मान लीजिए फोर प्राइस लेवल मैंने यहाँ पर फिक्स ले लिया। तो ये जो वैल्यू है मैं इसको अलग अलग से डिनोट करता हूँ अलग इंक से, ठीक है। तो हमारे पास ये हो गया कंज्यूमर वन की डिमांड की क्वांटिटी, सपोज दैट ये क्वांटिटी जो है वो फोर है, ठीक है। इसी तरीके से कंज्यूमर टू है उसके लिए यहाँ पर ये क्वांटिटी सपोज दैट सिक्स है। तो जब हम कंज्यूमर डिमांड कर बनाएंगे मार्केट के लिए तो इस प्राइस लेवल पर हमारे पास कितनी क्वांटिटीज़ होनी चाहिए, 10 क्वांटिटीज़ पर ये डिमांड कर्व जो है वो क्या होना चाहिए कट होना चाहिए। तो डिमांड कर्व जो है वो कहाँ से पास होगा, कुछ यहाँ से पास होगा, थोड़ा सा रॉन्ग बन चुका है, मैं इसको मिटाकर आपको दोबारा बनाकर बता देता हूँ, ठीक है। तो हम ग्रीन कलर का यूज़ कर लेते हैं, तो ये बन जाएगा हमारे पास क्या मार्केट डिमांड कर्व। तो हमने क्या करा है, बेसिकली हमने डिमांड कर्व जो वन था उसका हॉरिजॉन्टल समेशन और जो कंज्यूमर टू का डिमांड कर्व था उसका हॉरिजॉन्टल समेशन एक गिवन प्राइसेस लेवल पर लिया और उसको हमने क्या कर दिया ड्रॉ कर दिया दोनों को समेशन करके। तो हमारे पास जो है वो यहाँ पर डीएम निकल के आ गया जिसे मैं मार्केट डिमांड कर्व कहूँगा। ये कंज्यूमर वन का था, ये कंज्यूमर टू का डिमांड कर्व था। क्लियर दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर मैं बात करूँ कि हमारे पास समरी क्या निकलती है, जो कि मैंने आपको पूरा का पूरा ये चैप्टर पढ़ाया है, तो वहाँ से आपने इनकम इफ़ेक्ट और सब्सटीट्यूशन इफ़ेक्ट्स वगैरह देखे हैं, कंज्यूमर सरप्लस को मेज़र करना देखा है और मार्केट डिमांड को जो है वो आपने यहाँ पर पढ़ा है। ठीक है दोस्तों, मैं आशा करता हूँ आपको जो है वो यहाँ पर समझ में आया होगा अच्छे तरीके से, ठीक है। और अगर आपको मेरी वीडियोज़ जो हैं वो इसी तरीके से अच्छी लगती हैं तो आप जो हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी तरीके की वीडियोज़ जो हैं वो आपके लिए लाता रहता हूँ। और अगर वीडियो आपको ज़्यादा अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, जिससे मेरा मनोबल बढ़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक मतलब ज़्यादा से ज़्यादा मुझे जो है वो मोटिवेशन मिलेगा और इसी तरीके की वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो में क्या अच्छा लगा, और अगर आप कोई सजेशन देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप मुझे कमेंट कर बता सकते हैं। और इसी तरीके से मेरे चैनल के साथ बने रहने के लिए धन्यवाद, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।